खो गया। क्या मतलब है खो गया? अरे अरे मैम बैठिए ना, उस लड़कियों पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अम्मा यार प्लीज बकवास बंद कीजिए प्लीज, खो गया का क्या मतलब मुझे ये बताइए बस। खो गया का मतलब मैम यू नो गुम, गायब हो जाना, इंग्लिश में लॉस्ट मैम। मतलब मुझे पता है, क्वेश्चन रीफ्रेज करूं, स्टडी टेबल मेरा कहाँ है? स्टडी टेबल मैं कैसे बता सकता हूँ मैम, अगर मैं जानता होता तो गुम होने का मतलब ही क्या होता। लिसन मिस्टर कदोका, मुझे सिर्फ मेरा टेबल चाहिए बस। मैम आप बैठिए ना, क्या लेंगे आप, चाय ठंडा? स्टडी टेबल। मैम मैं स्टडी टेबल कहाँ से लाऊं? देखिए मिस्टर, मुझे नहीं पता आप कहाँ से लेकर आएंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका लुकआउट है, मुझे बस मेरा स्टडी टेबल चाहिए। मैडम कोई भी चीजों का दर्द मैं समझ सकता हूँ, 2 साल से मेरा कुत्ता मेले में खो गया है, आई मिस हिम लॉस, और वो आज तक वापस नहीं आया। आपको ये सब मजाक लग रहा है? हाँ आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? ज़ीबा खन्ना, सच्ची खबर न्यूज चैनल की रिपोर्ट। अगर बाय चांस मेरा स्टडी टेबल नहीं मिला ना, आपका ये कुरियर ऑफिस आज के आज बंद करवा दूंगा। आपके लिए मैंने 3 nights 2 days के लिए खंडाला पैकेज, 2 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री। आपका दिमाग खराब है या पुर्जे ढीले हो गए? ओके मैम, ओके मैम। मिक्सर ग्राइंडर चलेगा? मिक्सर ग्राइंडर। मैम मैम वेट मैम, ये क्या कर रही है मैम? मैम रिक्वायरमेंट डाल रही हूँ ऑनलाइन नए टेबल के। काफी समझदार है मैम। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। हो गया मैम लाइव। चलिए अच्छा किया आपने। वैसे मैम मुझे आपके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। मैम आई हैव एन ऑफर फॉर यू, मेरे पास 1.5 महीने से बच्चे का एक झूला पड़ा है, इफ यू वांट आई कैन गिव यू फ्री। झूले का मैं क्या करूँगी, उसमें झूलूं या फिर अपने लैपटॉप को झूलूं? मेरे बच्चे नहीं है। मैम आइडिया बुरा नहीं है, 2 in 1, अभी आप लैपटॉप के साथ झूल लीजिए और बाद में जब बच्चे होंगे तो उनके साथ झूल लीजिएगा। अपना लैपटॉप दीजिए। ओके दीजिए दीजिए, 1 मिनट। क्यों मैम? दीजिए तो। मैम अभी क्या कर रही है मैम? मैम मैम अभी मैम मैम मेरे पास दूसरा भी ऑफर है इफ यू वांट। अब आपके ऑफर की ना कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपके ईमेल आईडी से आपके बॉस को आपको रेजिग्नेशन भेज दिया। मैम मेरा ईमेल मेरे मेल से रेजिग्नेशन मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। मैम बहाओ, ये आपने क्या किया मैम? लिसन, अरे मैम प्लीज मैम मैम रुकिए मैम मैम प्लीज। हम जानते हैं हमारा देश पीछे क्यों है, आप जैसे लोगों की वजह से जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ठीक तरह से निभाते नहीं, इसे हम जर्नलिस्ट को आना पड़ता है आप लोगों को सबक सिखा। ज़ीबा खन्ना मुंबई सच्ची खबर। मैम ये क्या था मैम? कल ऑफिस का पहला दिन है, प्रैक्टिस करी। अम्मा यार क्या लड़की है, जर्नलिस्ट बनी है, जोश तो होगा ही। ज़ीबा से जो टकराएगा वो मिट्टी में भी नहीं मिल पाएगा, तो चाहे वो स्टडी टेबल बेचने वाला ही क्यों ना हो। फोन क्यों नहीं उठा रहा है अब? ओनिर? ओ तो तुम्हारा नाम ओनिर है मिस्टर नाइट वॉरियर 53। यार इतना बुरा भी नाम नहीं है तो छुपाते क्यों? कहीं तुम अंडरकवर एजेंट तो नहीं हो, या फिर तुम्हें आइडेंटिटी क्राइसिस है, या फिर यू थिंक इट्स जस्ट नॉट कूल इनफ? हां नहीं, आई मीन आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, इट्स जस्ट दैट अगर तुम्हें अपना नाम इतना पसंद नहीं है तो चेंज कर सकते हो यार, लाइक लीगल प्रोविजंस है। एक्सक्यूज मी व्हाट, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? नहीं वो एक्चुअली मैं नेवर माइंड, क्योंकि तुम जो भी हो ना आई थिंक तुम्हें अपने स्टार्स को थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम किसी वेस्टर्न कंट्री में पैदा नहीं हुई। ये तो अब तक तो जबरदस्ती की एडवाइस चिपकाने के चक्कर में मैं तुम पे कब का मेंटल हैरेसमेंट का केस कर चुका होता, लेकिन तुम तो देसी हो ना, कुछ भी बोल सकती हो। यही स्नोबिशनेस एक्सपेक्टेड थी तुम्हारे स्टूपिड नेम नाइट वॉरियर 53 से। बढ़िया है विदेशी, अगर इतना विदेश पसंद है तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, शिफ्ट हो जाना वहाँ पे। हाँ हाँ वही इरादा है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम जैसे किसी किसी क्या किसी स्ट्रेंजर की परमिशन की जरूरत नहीं है। और वैसे तुम्हें कैसे पता चला मेरा वर्चुअल नेम नाइट वॉरियर है, कहीं तुम मुझे स्टॉक तो नहीं कर रही हो?
मिस्टर नाइट ओरियो 53, डोंट फ्लैटर योरसेल्फ, ओके? मुझे तुम्हें स्टॉक वॉक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो तो तुम्हारा प्यारा सा टेबल देखा था मैंने ऑनलाइन, जो तुम बेचना चाहते हो। तो मैं ये सोच रही थी कि इतना प्यारा टेबल कोई कैसे बेच सकता है, लेकिन तुमसे बात करके पता चल गया। वाह, सिक्स सेंस तो बड़ी स्ट्रांग है तुम्हारी। बिल्कुल, यू नो, तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से मुझे पता चल गया है कि तुम जैसे स्टूपिड स्नोबिश सुपरफिशियल लड़के को इतने प्यारे टेबल की क्या जरूरत हो सकती है। पढ़ते लिखते तो होंगे नहीं ऑब्वियसली। एनीवेज, लेट मी नॉट वेस्ट माय टाइम, जगह और टाइम बता देना, चेक करके अपना सामान लेकर जाऊंगी। पता चला तुमने कुछ भी चिपका दिया। अबे फोन रख। कहा था ना मैंने, जीबा से जुट रखाएगा वो, आगे आप खुद ही समझ। लेकिन यहां तो टकराया भी को अनिर्बल चक्रवर्ती, एक सुपर टैलेंट, सुपर क्रिएटिव यंग एंथ्यू एनिमेटर, जो बोरिया बिस्तर बांधकर पहले फ्लाइट से अमेरिका भागने के चक्कर में। अभी जब दोनों आमने सामने आएंगे तब क्या, आई थिंक दोनों को एक एक हेलमेट दे देनी चाहिए। हेलो, कम इन, दो मिनट, आई जस्ट बी देयर। तुम ऑनर हो, तुम्हारी पेंटिंग्स है, नाइस। डोंट टच माय स्केचेस। हमारा यार क्या, तुम एक ट्यूबलाइट नहीं उतार सकते हो? रुको, हाउ सिंपल। कहाँ हो गए? नो नो, वो एक्चुअली आर प्रीटी गुड। रियली? जान ना पहचान, सीधे फ्लोटिंग। आई मीन प्रीटी गुड एट द लाइट फिक्सिंग बिजनेस, यू नो, मुझसे तो नहीं हो पाता ये सब। हाँ वो पीछे से मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ ना, लोगों के घर जा कर यही तो काम करती हूँ। जोक। वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा, यू नो, वेरी न्यूयॉर्क विद अ हल्का सा टच ऑफ विस्कॉन्सिन। वैसे तुम थोड़े स्लो नहीं हो, लाइक लिटिल डम विद हल्का सा टच ऑफ स्टुपिडिटी। वैसे ये स्केच तुम्हारा है? किसी भी एंगल से नहीं यार, मेरे पास कहा जो इस सब के पास है, इसका बड़ा सा केव, इसके बड़े वेपन्स, ये मेरी फैंटेसी वॉरियर है। जोक था, मुझे तो हंसी आई नहीं। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये स्केच तुमने बनाया है? और कौन बनाएगा, यू नो व्हाट, यहां पे ना सब मेल सुपर हीरो के पीछे भागते हैं। But guess what? Female superhero na is just like my thing. Strong, independent, super hot. जो एक लंबी सी बिल्डिंग से छलांग लगाती है और सारे डीमंस को एक ही झटके में सटैक मार डालती है और फिर जुप करके हीरो के पास जाती है, उसे अपने हाथों में बिठाती है और उसकी जान बचाती है। Wow. चलो एटलीस्ट कोई तो ऐसा है जो एक औरत को दुखियारी बेचारी टाइप्स नहीं समझता है। हाँ यार, पर ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलते। नैरो माइंडेड पीपल अपने कॉम्प्लेक्सेस से बाहर निकलेंगे तभी तो क्रिएटिविटी का टाइम मिलेगा ना। और तुम बड़े खुदगर्ज़ हो, काम सीखा यहाँ पे, नाम भी बनाया यहाँ पे, लेकिन एक भी मौका नहीं छोड़ोगे टॉन्ट मारने का। एक्चुअली नैरो माइंडेड तुम हो। लिसन, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम मुझे मेरा सामान दिखा दो, मैं चेक करके लेके जाता हूँ। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैसे ज्ञान दारू से बात करने का। कौन सा सामान? यार स्टडी टेबल और क्या, कल कॉल नहीं किया था तुम्हें? भुलक्कड़। ओ, तो तुम वही लड़की हो फ्री में एडवाइस देने वाली, लॉयर? लॉयर नहीं, जर्नलिस्ट, वो भी सच्ची खबर न्यूज़ चैनल की। इसलिए इतना ज्ञान झाड़ती थी ना। वैसे तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, व्हाटएवर इट इज, टेबल सोफे के पीछे पड़ा है, पर चला बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो टीवी पे न्यूज़ ही दिखा दी। व्हाटएवर। ये टेबल, तुम इस टेबल का तो अभी भी तेल निकाल रहे हो। हाँ, मेरा मतलब यार इस्तेमाल कर रहे हो, एक तो तुम मुहावरे कितने कच्चे हो ना, से तुम इसे बेच क्यों रहे हो? Well, you know, बेच इसे रहा हूं क्योंकि मैं... एक मिनट, कहीं ये टेबल टूटा-फूटा हुआ तो नहीं है? पता चला तुम मुझे इसे चिपकाने के चक्कर में हो? नहीं नहीं, इस टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली ना मैं अमेरिका जा रहा हूँ, यू नो, इसलिए बेच रहा हूँ। ओह, अमेरिका? मुझे सरप्राइज वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? क्या? पॉइंट पे आओ, क्या ख्याल है? किस बारे में? बी स्पेसिफिक। मेरी फिजिक के बारे में। क्या?
टेबल यार, टेबल चाहिए कि नहीं? और वैसे भी दो तीन इंटरेस्टेड बायर्स थे। अम्मा तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, हाँ ये टेबल ठीक है। एक मिनट रुको, ये लो 3000 रुपए, मैं नीचे जा रही हूँ रिक्शा करने, तब तक अपना ये रायता समेट लो। मैडम वो क्या है ना, एक्चुअली पिछले महीने का पगार नहीं मिला था। क्या तुम्हारा पर्सनल सर्वेंट हूँ क्या? जो रायता समेट लो, रिक्शा बुला के लाती हूँ, ये सब नहीं चलेगा। और वैसे भी अपना और तुम वैसे भी अपना एड्रेस दे दो, मैं तुम्हें शाम तक ये टेबल भिजवा दूंगा। नो वे, एक बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मैं, मेरे टेबल के लिए पता नहीं क्या क्या वियर्ड वियर्ड ऑफर्स मिले थे, मुझे टेबल चाहिए अभी। Excuse me. Need help? Don't touch. क्या हाँ, डिस्टेंस चाहिए ना, छुआ मत। पागल क्या, अकेले कैसे ये टेबल को नीचे लेके जाओगी? क्यों, अंदर तो बड़ी फीमेल सुपर हीरो तो अभी बात कर रहे थे, आगे ना तेरी टिपिकल एमसीबी में। ओह हेलो, ना तो मैं टिपिकल देसी हूँ और ना ही टिपिकल एमसीबी, बल्कि टिपिकल तो तुम हो, जहाँ मन चाहे झंडे गाड़ देती हो या फिर दबी कुचली अबला नारी बन जाती हो तुम्हारी तरह। ठीक है यार, थोड़ी सी हेल्प ले ले, अबला नारी नहीं बनेगी तू। You're welcome. Yeah. Thank you, तो तुमने साइलेंट मोड में ही बोला होगा ना? और ये Be careful, be careful. आराम। रिक्शा। अरे यार, जब रिक्शा चाहिए होती है ना, कभी टाइम पे नहीं मिलेगी। वैसे रिक्शा, एक और ऑप्शन है मेरे पास। क्या? तुम गाड़ी में ड्रॉप करोगे मुझे? इतनी मेहरबानी? क्यों, क्योंकि मैं लड़की हूँ क्या? कि शायद 1% चांस है कि मेरे में थोड़ी शराफत रह गई है। वैसे स्केचेस काफी कूल हैं तुम्हारे। वैसे एटीट्यूड भी काफी कूल है तुम्हारा। टिपिकल देसी बॉय, चांस पे डांस मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। व्हाट रबिश। जस्ट वॉच इट, हां नेक्स्ट स्टेप है। कहां रखूं? अभी के लिए यहीं पे। यार तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग निकली, अपने मसल्स दिखाओ। चलो मैं बाइक पे। माय गॉड, इतने तो मेरे पास भी नहीं है यार। इसीलिए कह रही हूं मुझे भिड़ना मत। अच्छा कॉफी? नॉट अ बैड आईडिया एक्चुअली, बट कैन आई मेक माय ओन कॉफी प्लीज? क्यों? जनरली लोग मेरे टेस्ट की कॉफी बना नहीं पाते, तो यू नो आई लाइक द वेरी पेंसिल्वेनियन काइंड। हां यार, तुम्हें पता भी है पेंसिल्वेनिया है किधर? हां हां ऑफ कोर्स, वो अमेरिका जाते हैं ना तो फिर न्यूयॉर्क लेफ्ट में आता है, फिर थोड़ा आगे जाते तो वॉशिंगटन आता है ना, बस फिर बस यूटर्न लेकर 5 मिनट दूर पेंसिल इंस्टेंट। हाँ अच्छा, वहाँ पे पतीली पड़ी है उसमें पानी बोल करो, मैं 2 मिनट में चेंज कर दिया। ओके कॉफी तो मैं भी अच्छी बना लेती हूँ। थैंक यू बट नो थैंक यू। सब आपको क्या इस उबले हुए पानी से इश्क हो गया? हाँ? नहीं, वो कॉफी पाउडर और शुगर अगर आज ही करना। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? इसके बाद ना तुम मुझे बुलाती रहोगी बार बार। क्यों? क्योंकि इसके बाद तुम्हें और कोई कॉफी तो पसंद ही नहीं आएगी ना। तुम भी कोई मौका छोड़ते नहीं हो ना कॉफी। Here's to my new teacher. Cheers. आपको मॉम बाद में फोन करता हूँ ना। हाँ मामा, आपको बाद में फोन करता हूँ, चलो बिजी हूँ, बाय। मम्मा से झूठ, वेरी बैड। मैं तो मम्मा से कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा
तो अगर तुम्हारी माँ का फोन आता तो तुम उनसे क्या कहती? हेलो मम्मी, मम्मी मैं अकेले एक लड़के के साथ हूँ अपने घर पे अकेले। हाँ माँ, वही लड़का जिसकी धरती के एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कल तक, और आज मैंने उससे टेबल लिया और पिछले 5 घंटे से ना मैं उसके साथ ही बैठी हूँ। और तो और मम्मी, हम अकेले अभी कॉफी भी पी रहे हैं, और तुम्हारी मम्मी क्या बोलती? बेटा वेरी स्वीट, मेरी बेटी कितनी संस्कारी है ना, यही बोलती ना, और फोन से एक फ्लाइंग किस भी दे देती। हेलो, क्या सोच रही हो? हाँ यार, you're right. I mean, कल तक तो हम एकदम स्ट्रेंजर्स थे, और आज ऐसे मतलब वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग विदेश में होते ना तो कहानी कहाँ की कहाँ पहुंच जाती डार्लिंग। ओहो, प्लीज डिस्टेंस। हाँ तुम, और बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाती, तुम प्लीज हवा में मत उड़ो। ओके, क्या तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हें घर से इसलिए नहीं जाने दिया बिकॉज मुझे तुमसे कुछ अट्रैक्शन वट्रैक्शन होगी? प्लीज अपने ये विदेशी फंडे अपने पास ही रखना। हेलो मैम, मेरे पास ना इस सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, एक दो दिन में मेरा वीजा आ जाएगा और उसके बाद ना एक हफ्ते में इस कंट्री को बाय बाय टाटा बोल के छू। वैसे मैं तुम्हारे इस डिसीजन से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। कोई इंटरेस्टिंग ऑफर है क्या? नहीं, फिलहाल तो ऐसे ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा हूं, बट चलेगा ना, एटलीस्ट यहां से तो छुटकारा मिलेगा। तुम अपनी सीनियर एनिमेटर की जॉब छोड़ के वहां पे स्ट्रगल करने जा रहे हो? हां यार, बड़ी अजीब हो तुम। अरे मेरी छोड़ो यार, अपनी सोचो, इस शहर में अकेली रहती हो, मुझे भी ठीक ठाक अट्रैक्टेड हो, आगे क्या इरादा है? क्या इरादा होगा मेरा, और वैसे भी तुम 7 दिन में जा रहे हो। देखा, कर दी ना वही टिपिकल देसी वाली बात, स्पीड मैम स्पीड। विदेश में ना स्पीड डेटिंग होती है, जिसमें ना वो 1 मिनट में डिसाइड करते हैं किसके साथ डेट करनी है, थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं, और एक हफ्ते में एक और स्पीड डेट। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, क्या ख्याल है? डिस्टेंस यार प्लीज। और वैसे भी ये नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड मुझसे तो नहीं, पता ही था मुझे। ये तुम्हारा जो जर्नलिज्म और ये मॉडर्न थॉट है ना, सब एक बहुत बड़ा शो ऑफ है, क्लियरली शो ऑफ। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये नहीं चल। और मैं कौन सा तुम्हें लाइक वाइक करती हूँ ना, 7 दिन में तुम जा रहे हो, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। ओ मतलब अगर 7 दिन में नहीं जा रहा होता तो चांस था। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत मुझे क्या, तुम्हारा ही लॉस है। यार ये लड़का भी, ये आमा क्या होता है, तुम्हें आम बहुत पसंद है? अरे तो आमा कॉफी पियो यार तुम। अमा अरे यार अभी नहीं, मैं बहुत टेंशन में हूँ। हाँ यार ऐसे करने से कौन सा वीजा मिलने वाला है। हाँ लेकिन मुश्किल समय में भगवान को याद करने से ही तो हिम्मत मिलती है। तो अमेरिका में भी लोग ऐसे करते हैं? अमेरिका नहीं, एशियन जापानी स्ट्रेटजी, तुम ही समझो। ओ इधर इधर मामा। हाँ ओने। हाँ मॉम, हाँ मॉम, आ गया आ गया आ गया। हाँ मामा खोल रहा हूँ मामा। अरे खोलिश ना खोलिश ना। की खोलबो ना, आगे दो ही शक्कर खा तारपरे खोलिश। उम्मीद है शक्कर कौन खाता है। ठीक है यार मम्मी बोले दही शक्कर खाओ। तो तुम खाओगे? ऐसा होता है यहाँ पे? मम्मी है ना यार, बहुत फील करेंगे। वैसे मैं जनरली ये सब नहीं करता। हेलो ओनी। हाँ मामा, एक सेकंड एक सेकंड। इधर जल्दी कर जल्दी कर। पेशेंस वो खोलो। मुझे वो खिला रहे हो? सिखाती हो यार। तुम्हारे मुंह पे भी लगाइए देखो। हेलो अनिर। हाँ मामा। हाँ मॉम, एक सेकेंड बस खोल ही रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ आ गया मामा, अप्रूव हो गया, हो गया मामा वीजा। पैसे सस्ते में निपट गए तुम, मेरा तो लंबा चौड़ा काटने का मन। फिर मैंने सोचा चलो यार बच्चे पे रहम किया जाए। भाई साहब रहम ना तुम इस पिज्जा पे करो। हाँ
तुम लोग इस टाइप का पिज्जा खा कैसे सकते हो? पिज्जा पे तंदूरी चिकन और ये पाइनएप्पल डाल के ना बर्बाद सिर्फ यहाँ ही होता है। पिज्जा एक इटालियन डिश है, इसका टेस्ट को करप्ट नहीं करना चाहिए। क्या कर रही हो? नहीं, हॉर्मोन्स को कंट्रोल करो डार्लिंग, ये इंडिया इंडिया। क्या? हाँ, अबे हाथ मत पकड़ोगी तो लोग मिक्सिंग करने आ जाएंगे। ओ, ऐसा है क्या? अच्छा एक काम कर, वेटर ये लीजिए, हमें नहीं चाहिए। तुम्हें बड़ा शौक है ना क्लासिक इटालियन पिज्जा खाने का? क्या कह रहे थे वो? पिज्जा क्रीम सॉल्ट, प्लीज पिज्जा क्रीम सॉल्ट मत करो और करप्ट से बिल्कुल मत करो, हाँ ना? हाँ हाँ, एक क्लासिक को क्लासिक की तरह खाना चाहिए, तुम क्या समझोगी वैसे भी? हाँ जी, यम ना, माइनस डैम यम। या, इट्स रियली गुड। क्या ये? क्या? अंदर तो बड़ा हाथ पकड़ रही थी। उसका एक रीजन था। हाँ, तो इसका भी एक रीजन है। इनफैक्ट इसके तो दो रीजन है। ओह रियली? क्या? पहला कि मैं तुम्हारे साथ फ्लोट कर रहा हूँ, और दूसरा तुम्हारे हाथों को टच करके जो बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन आती है ना, वो इससे पहले किसी लड़की के साथ नहीं आई। कितने बड़े चीप हो यार तुम, सीरियसली? देखा, यही तो प्रॉब्लम है, स्टीरियोटाइपिकल देसी मेंटालिटी। अगर मैं यही बात घुमा फिरा के तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के, तुम्हारी ये एक जुल्फ तुम्हारे कानों के पीछे डाल के, बहुत सारा टाइम वेस्ट करके, चांस पे डांस करके बोलता तो चलता? सर उसे टाइम वेस्ट नहीं कहते, उसे रोमांस कहते हैं, मैजिक। अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ रोमांस करना है? स्लो एंड ईजी? एग्जैक्टली, इतना स्लो कि तुम सीधे अमेरिका पहुंच जाओ अपनी उस स्टुपिड सी घटिया ट्रेनी वाली नौकरी के लिए। तो अगर अमेरिका नहीं जाता तो चांस था? ज्यादा हवा में ना उड़ने की जरूरत नहीं, और वैसे भी यस 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 यस। भैया भैया, एक पानीपुरी, एक सेवपुरी, एक भेलपुरी, तीखा थोड़ा कम। और तुम क्या खाओगी? भैया एक प्लेट अमेरिकन पानीपुरी। अमेरिकन पानीपुरी क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ सीरियसली आओ। बड़े आए अमरीका वाले, तुम्हें पता है तुम ना यहाँ के अलावा कहीं दिल नहीं लगा सकता। जो तुम जा रहे हो तुम बात बैठो, तुम यहाँ का सबसे क्या मिस करोगे? दादा को नहीं मैं कहूँगा, सबसे ज्यादा अपनी ऑटो केटन और पानीपुरी अंकल को मिस करूंगा। तुम ये गाड़ी बेचोगे? नहीं, सोचा नहीं इसके बारे में। क्यों, तुम भी चाहिए? डिस्काउंट होगा? डिस्काउंट दे दूंगा तुमको, न्यूज वाला डिस्काउंट। यार ये लव स्टोरी तो बहुत ही अजीब होती जा रही है। ये नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ये सारे फंडे क्लियरली बकवास साबित हो रहे हैं। जीवा और अनिर एक दूसरे से इतने अट्रैक्टेड हैं कि पूरा पूरा दिन एक साथ बिता सकते। एडमिट कौन करेगा? लेकिन अनिर तो वैसे भी अमेरिका जा रहा है, एक वीजा को आकर 4-5 दिन हो गए, ये अनिर जा कब रहा है? Hey, what's up, babe? What's happening? Oh, sorry, auntie, wo. Zibu, आ गया तेरा बुलावा। Hi, Onir, what's up? Hi. Mom, Dad, आपको बताया था ना Onir के बारे में? And Onir, this is my super cool dad. Zibu, अरे come on, man. And my beautiful mom. No, oh, no, बस उसे रहने दो. Don't be so formal, हैं? Come, come, come. Come. How's it? हाँ, sit. तुमने बताया नहीं तुम्हारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं। सॉरी अंकल, सॉरी आंटी, एक्चुअली हम एक पार्टी में जाने वाले थे, बट इट्स फाइन, आप लोग इतनी दूर से आए होंगे तो मैं। अरे सॉरी किस बात की? जीबू को खुद नहीं पता था कि हम दोनों आने वाले हैं। एक्चुअली वो तो आज ऑफिस से वापस आई, एंड देयर माय पेरेंट्स सरप्राइज। ये पेठा खिलाइए ना इसे, आगरा की स्पेशलिटी है जो हम दिल्ली से उठा के लाए हैं।
It's okay. 25 सालों से ये बाप और बेटी के सेंस ऑफ ह्यूमर को मैं भी समझ नहीं पाई. Don't blame. खाओ, बहुत टेस्टी. Yes, auntie. Okay, mom, we got to go. I'm late हो रहे पार्टी के लिए. अच्छा, ठीक है. Okay, uncle. Bye, auntie. Bye, mom. Bye. Bye. Take care. तुमने तो आज कमाल ही कर दिया. मतलब तुमने एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के पैर छुए. आई और क्या करता है यार. क्यों ऐसे तो बड़े विदेशी बने फिरते हो. बोलना चाहिए था ना, हे बेबी व्हाट्स अप ब्रो. और उसके बाद ना वो मेरा और तुम्हारा दोनों का पैकअप करवा देते. और वैसे भी इंडियन पेरेंट्स है ना, दे लाइक ऑल द फीट टचिंग एंड ऑल. तुम्हें ये सब बहुत पसंद आता. ठीक है, तो तुमने ये सब इसलिए किया ताकि वो तुम्हें पसंद करे. किस खुशी में? तुम्हें अगर वो पसंद नहीं भी करते तुम्हारा क्या था? तुम वैसे भी दो तीन दिन में जा रहे हो. वो एक्चुअली दो चार दिन ही, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था. व्हाट प्लान चेंज? नहीं जा रहे? नहीं नहीं, ऑब्वियसली जा रहा हूँ, बट छोड़ो यार, तुमसे भी एक नंबर के फुद्दू हो. दैट्स इट. फुद्दू मैं? तुम चाहे कितने भी बड़े विदेशी बन जाओ, दिल से ना तो पक्के दिस. व्हाट रमेश, ए कोतो खाचिस कितना पी रही हो यार, बस करो. नहीं नहीं नहीं, बस 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 नहीं नहीं, बस बस. क्यों अब बड़े पोजेसिव बन रहे हो? उस दिन तो बड़ी डींगे हांग रहे थे. नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. व्हाई सो पोजेसिव? हां व्हाई सो पोजेसिव? बहुत पी लिया तुमने, प्लीज बस करो. बस नहीं नहीं सी बात नहीं, बस 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 नहीं नहीं सी बात नहीं, बस 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 सी बात. हां गुड टाइम यार. अरे बस करो यार, हो गया ना गुड टाइम. नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज, बहुत पी लिए तुमने, प्लीज बहुत पी लिए, बहुत पी लिए, बहुत पी लिए तुमने, प्लीज. हियर माय फेवरेट सॉन्ग. फेवरेट सॉन्ग? लेट्स डांस. चलो यार, कम ऑन यार, कम ऑन. नहीं नहीं, नो नो ज़िबा, प्लीज नो ज़िबा, नो नो नो, यू गो यू गो. ज़िबा नहीं, ज़िबा ज़िबा नहीं नहीं नहीं, ज़िबा ये मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं. ज़िबा करो ना तुम ना. हाँ उठ गई तुम. कॉफी? तुमने कल रात मुझे घर ड्रॉप क्यों नहीं किया? अब मॉम डैड को क्या कहोगे? मैडम आपने अपनी हालत देखी थी कल, पेरेंट्स देख लेते ना तो बैंड बजा देते. गॉड मॉम. हेलो मॉम. हेलो. आपने फोन किया था? हाँ, तुम कल रात से फोन क्यों नहीं उठा रही? आई एम सो सॉरी मॉम. मैं मॉम ऑनिर, ऑनिर की जो फ्रेंड है ना, हम उसी के घर आ गए थे. ओके, बट एक कॉल कर देती. जी मॉम, आई एम सो सॉरी. अच्छा काम. हाँ मॉम, मैं बस अभी आ रही हूँ. अभी ब्रेकफास्ट. यार बहुत बुरा लग रहा है मॉम को झूठ बोल के. छोड़ना है, जो हो गया वो हो गया. हाँ बट मैंने आज से पहले मॉम को कभी झूठ नहीं बोला है. इट्स ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम. से कल रात. कल रात क्या हुआ? कल रात तुम्हें सच कुछ पता नहीं? कल रात क्या हुआ? शायद यही तुम्हारे लिए सही है ज़िबा. कल रात क्या क्या हुआ मैं क्या बताऊं, पर मैं वादा करता हूं जो भी हुआ ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा हमेशा. कल रात हुआ क्या? कल रात
तुम सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने को, फिर भी नहीं मानी। किस बात के लिए? कल रात You mean, हम दोनों रात इस कमरे एक्चुअली मतलब तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो कि मैं नहीं सीबू तुमने किया ये सब? मैंने ये सब किया और यही सब नहीं और भी बहुत कुछ हुआ कल रात को सीबा। Are you like serious? तुम्हें actually लगता है कि मैं ये सब believe करती? You know what? तुम अपने test में 100% pass हो गए हो बच्चा। Good. Ouch. You know what? मुझे लगता है हर देसी लड़की का ना life में एक एक चीज तो ये है कि उसे ये scene जरूर enact करना होता है। और उसे लगता है कि हर लड़की ना स्टीरियोटाइपिकली चिल्लाएगी कि मैं लुट गई बर्बाद हो गई डफर। आय यार मैं तो सोच रहा था तुम्हारे कपड़े भी बदल दूं और अपनी टी-शर्ट पहना दूं, सीन ऑथेंटिक लगता ना। ए शट अप हो गए ये क्या? I can't do this. क्या मेरी आज शाम की फ्लाइट है? ये तुम मुझे अब बता रहे हो आज सुबह? सॉरी बट मैं दो दिन से ट्राई कर रहा था तुम्हें बताने लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया ना, है ना? I'm really sorry. You know what? You should feel sorry. लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने लिए। Just look at me when I'm talking to you. क्यों जाना चाहते हो तुम यूएस? तुम्हें लगता है कि दो चार विदेशी सीरियल्स देखने से, तीन चार ट्रैवल की बुक्स पढ़ने से वो लोग कूल हो जाते हैं और हम अनकूल? तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए बहुत इजी है? मेरी मॉम है, मेरे दोस्त है, लेकिन मैं जा रहा हूं, मतलब मैं जा रहा हूं ना। फिर यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों जाना चाहते हो तुम? क्यों? तुम्हारी इतनी लविंग मॉम है यहाँ पर, इतने केयरिंग दोस्त है, इतना ब्राइट करियर है, ट्रेंड सेटर बन सकते हो, लेकिन तुम्हें स्ट्रगल करने यूएस जाना है। ओनली प्लीज मुझे मेरी तरफ देखो एक बार प्लीज। क्यों रोकना चाहती हो मुझे? जवाब देने की बारी तुम्हारी। Give me one good reason why I should not go. मेरे जाने ना जाने से कुछ नहीं होता। तुम तो वैसे भी कुछ नहीं चाहते हो, राइट? क्या कहा था तुमने? No strings attached, right? सॉरी यार, हूं मैं देसी। सोचा था फ्रेंड्स बन के रहेंगे, थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती करेंगे, बट छोड़ गए यार धागे, हो गई अटैचमेंट, आ गई स्टुपिड इमोशंस बीच में। पता है सबसे अजीब बात क्या है? इस वक्त मैं जो महसूस कर रही हूं ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूं, वन साइडेड नहीं है। धागों को जोड़ते हुए तो तुम तब देखोगे जब तुम्हारी नाकों से पट्टी उतरेगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, लेकिन शायद मैं बेवकूफ थी। सीबा बेटे, आज पार्टी शार्टी का प्लान नहीं है? पापा मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं जाना है। ये बाहर तो आजा, यहाँ अंदर घुसी पड़ी है। पापा मुझे नहीं जाना है। बेटा तुमसे कोई मिलने आया है? मुझसे कौन मिलने आया होगा, मुझे किसी से नहीं मिलना है। देखो तो सही कौन है। क्या यार मॉम, तुम्हारी तो मैं तो क्या फ्लाइट थी ना। You know, क्रोएशिया में एक ट्रेडिशन है, जब तक सामने वाला तुम्हें गुड बाय नहीं बोलता ना
तुम जा नहीं सकते और तुमने तो मुझे गुड बाय नहीं बोला, फ्लाइट मिस हो गई। हमारा तुम भी अजीब इंसान हो, अगर जाना ही था तो थोड़े पहले निकल जाते ना, अब फालतू में टिकट बुक करानी पड़ेगी। बुक करा दी या कर ली या फिर रात की। इतने सवाल करती हो तुम, टिपिकल इंडियन लड़की की तरह। जो ये एहसास दिलावे कि हम इंडियंस इंडियंस ही रहेंगे, चाहे जितना भी ट्राई कर लो, स्ट्रिंग्स तो अटैच हो ही जाती है ना। इसका मतलब तुमने अपनी फ्लाइट छोड़ दी। इसका मतलब तुमने अपना प्लान कैंसिल। इसका मतलब तुम मुझे यहाँ पे हवा। यार तुम सवाल बहुत करती हो। तुम्हें पता है ईस्टर्न ग्रीस में प्रपोज कैसे करते हैं। बस 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 बस।